स्टूडेंट्स, ये फिश टेल का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब आगे देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, ये फिश मार्केट के बारे में बताया है कि उसमें कौन सी फिश का क्या रेट है इस तरीके से, और वो कितने में, कितने रुपए में, कितने किलो, कौन सी फिश कौन बेच रहा है और वो कितना पैसा अर्न कर रहा है, इस बारे में दिया गया है इसमें। ठीक है, ये एक स्टोरी टाइप से है, क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको ये बताया है, देखो, मेनी बोट्स हैव ब्रॉट ए गुड कैच, द फिश फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स। वो चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं कि यहाँ आओ, यहाँ से खरीदो, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। तो मिनी मिनी ने जो सर्ड मिनी के पास है सर्डाइंस, और वो बेच रही है सर्डाइंस ₹40 अ केजी। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी सर्डाइन हमको यहाँ नजर आ रही है कितनी है, पहले आप लिख लीजिए इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ 1 केजी सर्डाइंस इज इक्वल टू ₹40। ठीक है, ग्रेसी सॉर्ट फिश सेल कर रही है, कॉस्ट ऑफ 1 केजी सॉर्ट फिश इज इक्वल टू ₹, कॉस्ट ऑफ 1 केजी सॉर्ट फिश। ठीक है, कितने रुपीज है सॉर्ट फिश की कॉस्ट, ₹60। ठीक है, इसी तरीके से हम सबकी कॉस्ट लिख लेंगे। फिर प्रॉन की दे रखी है, प्रॉन 150 पर केजी है, ठीक है ना, प्रॉन ₹150। ठीक है, और इसी तरीके से स्क्वाइड की कॉस्ट ऑफ स्क्वाइड्स ₹50 पर केजी, ये सब पर केजी की कॉस्ट है। अब इसमें देखो, एक फैजिला है जो कि उसने एक बहुत बड़ी सी किंगफिश उठा रखी है, इसका नाम किंगफिश है। वो ये बोल रही है कि ये पूरी किंगफिश 8 किलो की है, जिसका जो पूरी का रेट वो बता रही है, वो बोल रही है ₹1200, ₹1200। इसका मतलब ये हो गया कि 8 केजी किंग फिश इज कॉस्ट ऑफ 8 केजी किंग फिश इज ₹1200। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं इस पे, कॉस्ट ऑफ 8 केजी किंग फिश इज इक्वल टू ₹1200। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपने सब चीज नोट कर ली है, आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंगफिश। अब क्योंकि हमने देखा है कि किंगफिश 8 केजी किंगफिश जो है वो ₹1200 की है, तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी किंगफिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसमें आपको 8 केजी किंगफिश की कॉस्ट दे रखी है और 1 केजी किंगफिश की कॉस्ट आपसे पूछी गई है। जब आपसे 1 का पूछा जाता है या ईच का पूछा जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आता है ₹150। तो आपकी ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 केजी किंगफिश इज ₹150। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये फ्लोर अम्मा हैज सोल्ड 10 केजी प्रॉन टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट 10 केजी प्रॉन के लिए। तो 1 केजी प्रॉन की कॉस्ट क्या है, ₹150। तो लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्रॉन इज इक्वल टू ₹150। तो कॉस्ट ऑफ हमको कितने केजी की निकालनी है, 10 केजी की, 10 केजी प्रॉन हो जाएगी 150 × 10, क्योंकि 10 का पूछा है, ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमसे 1 केजी का पूछा था ऊपर वाले में, तो हमने डिवाइड किया था, 10 का पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 150 × 10 आपको करना है। तो ये आप चाहो तो देखो, नंबर से नंबर को इंटू कर दो, लास्ट में जो जीरो होती है वो सब लग जाती है, तो 15 × 1 = 15, ये जीरो और ये जीरो, ₹1500। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्लोर अम्मा ने कितने पैसे अर्न किए, उसने ₹1500 अर्न किए। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, ग्रेसी सोल्ड 6 केजी सॉर्ट फिश, ग्रेसी ने कितनी सॉर्ट फिश बेची है, 6 केजी, मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, मिनी ने उतने ही पैसे अर्न किए हैं जितने की ग्रेसी ने। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मिनी ने कितनी सर्डाइंस बेची कि उसने ग्रेसी के बराबर पैसे अर्न किए। तो पहले आप ये देखो कि ग्रेसी ने कितने पैसे अर्न किए, जितने ग्रेसी ने अर्न किए हैं उतने ही मिनी ने अर्न किए हैं। तो ग्रेसी ने बेची है 6 किलो सॉर्ट फिश, तो हमने क्या बताना है यहाँ पर, 6 केजी सॉर्ट फिश की कॉस्ट पहले बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी सॉर्ट फिश आप देख लीजिए, पहले लिखी थी हमने ₹60, तो ₹60 हो गई, तो कॉस्ट ऑफ
6 kg सॉल्ट फिश हो जाएगी 60 × 6 इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था नंबर से नंबर को इंटू कर दो, बाद में जो जीरो बचती है वो लगा दो, 6 × 6 = 36 और ये जीरो की आ गई जीरो। तो 360 रुपीज तो हो गए, उन्होंने बोला है कि ग्रेसी ने अर्न किए हैं, तो ग्रेसी अर्न्ड ₹360। अब क्वेश्चन में वो ऐसा बोल रहे हैं कि मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, कि मिनी भी उतने ही पैसे अर्न कर रही है जितने की ग्रेसी अर्न कर रही है, तो वो कितने किलो सर्डाइन बेचेगी, क्योंकि मिनी क्या बेच रही है सर्डाइन। तो आप पहले सर्डाइन की कॉस्ट देखिए, सर्डाइन की कॉस्ट है 1 kg सर्डाइन आती है, कॉस्ट ऑफ 1 kg सर्डाइन्स इज इक्वल टू ₹40। 1 kg सर्डाइन्स की कॉस्ट आ रही है ₹40। आपको बताना है कि मिनी ने ₹360 कितनी सर्डाइन बेचकर अर्न किए, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि ग्रेसी और मिनी सेम अर्निंग कर रहे हैं, तो मिनी ने 360, ग्रेसी ने 360 अर्न किए, मिनी ने भी 360 अर्न किए, तो मिनी ने कितने केजी सर्डाइन्स बेचकर 360 अर्न किए। तो 1 kg सर्डाइन्स अगर मिनी बेचती है तो ₹40 कमाती है, 2 kg अगर वो बेचेगी तो कितने कर लेगी बताइए आप, 40 × 2 हो जाएगा ₹80। इसी तरीके से अगर वो 3 kg कर सेल करती है सर्डाइन्स तो हो जाएगा 40 × 3 = 120। अगर वो 4 kg इस तरीके से करते करते हम 40 × 4 = 16 = 160। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जब मिनी 9 kg सर्डाइन्स बेच देती है तो वो करती है अर्न कितना, 40 × 9 = 9 × 4 = 36 और जीरो की जीरो, ₹360। तो हम इस तरीके से ये देख रहे हैं कि जब मिनी 9 kg सर्डाइन सेल कर देती है तब वो ₹360 अर्न कर पा रही है। इसका मतलब मिनी और ग्रेसी बराबर बराबर तब अर्न कर पाएंगी जब मिनी ने 9 kg सर्डाइन सेल की। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, हाउ मेनी केजी ऑफ सर्डाइन डिड मिनी सेल, तो मिनी सेल्स 9 kg सर्डाइन्स। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके से ना करें तो आप एक और तरीके से भी मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि सर्डाइन्स मिनी ने बेची है, आपको सिर्फ ये बताना है उसको पैसे कितने कमाने हैं। तो आपके देखिए इसमें सिर्फ ये बताना है आपको कि मिनी सोल्ड सर्डाइन्स कितने, आपको पहले आप ये देखिए कि मिनी को कितने पैसे अर्न करने हैं, उसको करने हैं ₹360 अर्न करने हैं और 1 kg सर्डाइन्स की कॉस्ट है ₹40। तो अगर आप 360 से 1 kg टोटल उसको जितनी अर्निंग करनी है उससे 1 kg सर्डाइन की जो कॉस्ट है उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि मिनी कितने kg सर्डाइन्स सोल्ड करती है। ठीक है, तो आप करो डिवाइड, बोलो तो 360 / 40, तो आप जब 360 को 40 से डिवाइड करते हैं आता है 9, तो 9 kg। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।